ए कैसे हैं आप लोग। दिस इज़ द डिस्ट्रक्टिव इंजीनियर। आज हम करने वाले हैं सोनी के TZ-145 होम थिएटर्स का कंप्लीट रिव्यू। सो स्टार्ट करते हैं। सोनी TZ-145 5.1 होम थिएटर है जिसका टोटल पावर आउटपुट है 360 वॉट्स। आप इसका अनबॉक्सिंग वीडियो चेकआउट कर सकते हैं वीडियो कार्ड में जो कि ऊपर लिंक्ड है। सो सबसे पहले डिस्कस करते हैं क्या क्या फीचर्स मिलते हैं हमको इस होम थिएटर में। इसमें एस मास्टर डिजिटल एम्पलीफायर है जो कि ऑडियो आउटपुट को एम्पलीफाई करता है। इसमें डॉल्बी सराउंड प्रो लॉजिक है जो कि आपके टू चैनल ऑडियो को सराउंड साउंड में कन्वर्ट करता है। इसमें डॉल्बी डिजिटल ऑडियो भी है जो कि आपको क्वालिटी साउंड प्रोवाइड करता है। इस वीडियो में मैं कुछ की पॉइंट्स डिस्कस करूंगा जो कि आपको बाइंग डिसीजन में क्रिटिकल हो सकते हैं। सो वीडियो को एंड तक देखते रहें। बात करते हैं इसके हार्डवेयर की। सो हमें यहाँ पे दो सराउंड साउंड स्पीकर्स मिलते हैं जो कि व्यूअर के पीछे रखे जाएंगे, यानी कि रूम के बैक वॉल पे रखे जाएंगे। यहाँ पे आपको दो फ्रंट स्पीकर्स मिलते हैं जो कि आप अपने व्यूअर के सामने रखेंगे, और एक सेंटर स्पीकर मिलता है जो कि दोनों फ्रंट स्पीकर्स के बीच में रखा जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं सेंटर स्पीकर पे सोनी की ब्रांडिंग है टॉप पे, ताकि आपको पता रहे कौन सा स्पीकर फ्रंट है एंड कौन सा स्पीकर सेंटर है। स्पीकर्स देखने में काफ़ी अच्छे दिखते हैं। इनका यहाँ पे जो फ्रंट है इसमें टेक्सचर्ड प्लास्टिक दिया हुआ है, और जो साइड्स है वो उसमें ग्लॉसी फिनिश है, बट जो स्पीकर्स का साइज़ है वो थोड़ा सा स्मॉल है। जो सराउंड स्पीकर्स हैं उनकी वायर लेंथ है 7 मीटर्स, फ्रंट स्पीकर्स की है 3 मीटर्स और सेंटर स्पीकर की है 2 मीटर्स। यहाँ पे वूफर दिया हुआ है। सो जैसा कि आप देख सकते हैं इनर वूफर को कवर किया हुआ है एक कवरिंग से। सो आई गेस जो इनर वूफर का साइज़ है वो जो कवरिंग है उससे काफ़ी छोटा होगा। यहाँ पे साइज़ का कुछ मेंशन नहीं किया हुआ है। वूफर का साइज़ भी ज़्यादा बड़ा नहीं है, सो बेस एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि थोड़ी सी लो होगी। वूफर का जो वायर है वो 3 मीटर्स है लेंथ में। यहाँ पे हमें DVD प्लेयर दिया हुआ है। सो फ्रंट में सारे कंट्रोल्स है। लेफ्ट में सबसे पहले हमें ऑन ऑफ बटन मिलता है, देन उसके बाद एक DVD के लिए एक ओपनिंग है, और उसके बाद में हमारा एक इजेक्ट बटन है जो कि DVD को इजेक्ट करता है। देन उसके बाद एक प्ले पॉज बटन है, एक स्टॉप बटन है, एंड उसके साइड में एक फंक्शन बटन है जो कि आप यूज़ कर सकते हैं मीडियम को टॉगल करने के लिए, मतलब आप जिस मीडियम से स्पीकर्स को कनेक्ट करना चाहते हैं। देन उसके साइड में वॉल्यूम अप और डाउन बटन है। उसके साइड में एक USB प्लग इन पोर्ट मिलता है जिसके थ्रू आप USB से मीडिया प्ले कर सकते हैं। सारे कंट्रोल्स फ्रंट में है ताकि आपको पीछे ना जाना पड़े स्पीकर्स के जब भी आपको कुछ फंक्शनैलिटी चेंज करनी हो। बैक पे हमें सारी वायरिंग मिल जाती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे पावर केबल है 2 मीटर्स का। उसके राइट में है 5 स्लॉट्स फॉर स्पीकर्स और 1 स्लॉट फॉर वूफर। नाउ ये सारे कलर कोडेड हैं, सो आपको प्लग इन करना काफ़ी इजी हो जाता है। राइट में हमें मिलता है एक HDMI आउटपुट पोर्ट और एक वीडियो आउटपुट पोर्ट। सो दोनों की सेम फंक्शनैलिटी है DVD प्लेयर को TV में कनेक्ट करने की। इससे जो DVD प्लेयर का वीडियो आउटपुट है वो आपके TV में जाता है। देन उसके नेक्स्ट में एक एनालॉग इनपुट जिससे आप अपने फ़ोन और लैपटॉप के थ्रू इसमें म्यूज़िक प्ले कर सकते हैं। उसके साइड में एक FM एंटीना केबल के लिए इनपुट है जिसमें आपको FM एंटीना केबल जो हमें मिला हुआ है वो उसमें इंसर्ट करना है ताकि आप FM को प्ले कर सकें। इसमें ब्लूटूथ और NFC नहीं है, जो कि थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग है 10,000 के प्राइस को देखते हुए, बट आप ब्लूटूथ अडेप्टर बाई कर सकते हैं मार्केट से ब्लूटूथ फंक्शनैलिटी यूज़ करने के लिए, एंड अराउंड 200 के अराउंड ब्लूटूथ अडेप्टर मार्केट में मिल जाता है। नाउ बात करते हैं सपोर्टेड फॉर्मेट्स की। इसमें तो वीडियो में इसमें MPG4, MP4, M4B, AVI और XVID वीडियो फॉर्मेट सपोर्टेड है। ऑडियो में इसमें MP3, WMA और AAC सपोर्टेड है। फोटोज़ में JPEG सपोर्टेड है। यहाँ पे हमें सोनी का स्टैंडर्ड रिमोट मिलता है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं टॉप से, तो हमें एक ऑन ऑफ बटन मिलता है, देन ब्राविया के कंट्रोल्स मिलते हैं। सो अगर आपके पास ब्राविया TV है तो आप उन कंट्रोल्स का यूज़ कर सकते हैं ब्राविया TV को यूज़ करने के लिए। यहाँ पे TV इनपुट बटन है जिससे थ्रू आप टॉगल कर सकते हैं कि किस मीडियम से आप होम थिएटर को अपने TV में कनेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद मीडियम्स है जिसके थ्रू आपको अपने म्यूज़िक या वीडियोस प्ले करने हैं होम थिएटर पे। सराउंड बटन सराउंड साउंड मोड्स को टॉगल करता है। सो यहाँ पे हमें 2 चैनल मिला हुआ है, सराउंड साउंड इफेक्ट, स्टैंडर्ड, डॉल्बी PL एंड मल्टी। पर्सनली मुझे मल्टी सबसे ज़्यादा बेटर लगा बिकॉज उसमें जो ओवरऑल आउटपुट था होम थिएटर का वो सबसे ज़्यादा था इन एवरी स्पीकर। एक प्रोग्राम बटन हमें यहाँ पे मिलता है ऑडियो प्रीसेट्स को टॉगल करने के लिए। जो ऑडियो प्रीसेट्स दिए गए हैं यहाँ पे वो हैं गेम, म्यूज़िक, मूवी, TV और ऑटो।
इक्वलाइजर भी मिलता है यहाँ पे ट्रेबल वोकल्स और बेस को कंट्रोल करने के लिए। उसके नीचे को डीवीडी कंट्रोल्स है, वॉल्यूम अप एंड डाउन बटन है, प्ले और पॉज बटन है, नेक्स्ट प्रीवियस बटन है और स्टॉप बटन है। सो इन पे चलिए म्यूजिक सुनते हैं कुछ, और उसके बाद मैं अपना पर्सनल ओपिनियन शेयर करूंगा इन स्पीकर्स के बारे में और इनकी साउंड क्वालिटी के बारे में। म्यूजिक टेस्ट सोनी TZ-145 पे। नाउ इनकी साउंड क्वालिटी की बात करते हैं। सो ऑडियो इनमें काफ़ी क्रिस्प और क्लियर है, आप मिड्स लोज और हाइज काफ़ी क्लियरली सुन सकते हो। वोकल्स या फिर जो डायलॉग्स हैं वो काफ़ी क्लियरली ऑडिबल हैं। यहाँ पे हमें सेंटर स्पीकर यूनिट मिलता है जो कि वोकल्स और डायलॉग्स को काफ़ी क्लियरली प्रेजेंट करता है। यहाँ पे जो डॉल्बी साउंड इफेक्ट्स हैं वो भी काफ़ी अच्छे हैं एंड आपको अपने म्यूजिक में सराउंड इफेक्ट्स वाली फीलिंग आती है। यहाँ पे बेस की बात करें तो जैसा कि हमें एक्सपेक्टेड था स्मॉल साइज सबवूफर से, बेस जस्ट एवरेज है यहाँ पे एंड ज़्यादा नहीं है। एंड यहाँ पे आप थोड़ा सा जो बेस में पंच होता है वो अपने म्यूज़िक में मिस करते हैं समटाइम्स। बट इसका एक अपसाइड आप ये मान सकते हैं कि जो म्यूज़िक है वो और ज़्यादा क्लियरली सुनाई पड़ता है क्योंकि बेस जो है वो म्यूज़िक को सप्रेस नहीं करता है। बात करें यहाँ पे ट्रेबल की तो ट्रेबल काफ़ी अच्छी है इसमें। आई थिंक इस स्पीकर का मेन जो फीचर है वो ट्रेबल ही है क्योंकि यहाँ पे आपको क्रिस्प और क्लियर ट्रेबल मिलती है। एंड जब आप उस क्रिस्पनेस को सराउंड साउंड इफेक्ट्स से मिक्स करते हैं तो आपको काफ़ी एक प्लीजिंग ऑडियो एक्सपीरियंस मिलता है। यहाँ पे थोड़ा सा मैं कॉन्स मेंशन करना चाहूँगा, लाइक इनमें ब्लूटूथ और NFC नहीं है, वायरिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, कोई भी यहाँ पे इक्विपमेंट वायरलेस नहीं है तो वायर्स को मैनेज करना थोड़ा सा टफ हो सकता है। और यहाँ पे एक छोटी सी कॉन और है कि जो रिमोट है उसमें बैटरीज प्रोवाइडेड नहीं है बॉक्स के अंदर। न शॉर्ट में अगर बात करें तो अगर आपकी प्रायोरिटी बेस नहीं है और अगर आपको अपने म्यूज़िक में क्रिस्पनेस और क्लैरिटी और सराउंड साउंड इफेक्ट्स ज़्यादा अच्छे लगते हैं देन आई थिंक ये आपके लिए परफेक्ट हो सकते हैं। ऑल्सो ये काफ़ी लाउड भी हैं, सो अगर आपका एक हॉल भी है सो आई थिंक ये आपके हॉल के लिए भी काफ़ी बेटर है। इनकी भी कॉस्ट जो मार्केट में है वो 10,000 रुपीज़ है और क्वालिटी ऑफ फीचर्स को देखते हुए आई थिंक प्राइस काफ़ी जस्टिफाइड है। तो आप भी बताइएगा मुझे अब कमेंट सेक्शन में कि आपको ये होम थिएटर कैसा लगता है और आपके क्या व्यूज़ है इसके लिए। अभी यहाँ पे वीडियो करते हैं क्लोज। सो ये थी पूरा कंप्लीट रिव्यू सोनी TZ-145 होम थिएटर्स का। सो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना चैनल को। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।